राहुल के वीडियो को मायावती ने बताया नाटक, कहा मजदूरों की दुर्दशा कांग्रेस की देन। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया है, लेकिन इस दौरान प्रवासी मजदूरों को होने वाली मुश्किलों को लेकर सरकार निशाने पर रही। शनिवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत का एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। इसमें उन्होंने 16 मई 2020 को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से बातचीत के कुछ अंश डाले। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस वीडियो को नाटक करार दिया है। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के लिए भी पहले की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।